हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारे प्रोसेस कोस्टिंग के लास्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं रिलेटेड टू ओनली प्रोसेस कोस्टिंग, नॉट जॉइंट प्रोडक्ट कोस्टिंग, वो नेक्स्ट चैप्टर है हमारी डीपीटी में, तो उसको नेक्स्ट चैप्टर में कवरअप करेंगे। इसमें जो प्रोसेस कोस्टिंग में लास्ट ईयर्स में क्वेश्चन आ रखे हैं वो कवरअप करेंगे। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। हमारे चैनल पर गाइज मोस्टली ऐसे बच्चे आते हैं जो वीडियोज़ को तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो गाइज़ प्लीज़ ऐसा मत किया करो, चैनल पर बैड इफेक्ट चलता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोग डेली वीडियोज़ को देखते हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए गाइज वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग हमारे प्रोसेस कोस्टिंग के लास्ट ईयर्स के जो हमारे क्वेश्चन आ रखे हैं उनको कवरअप करेंगे। प्रोसेस कोस्टिंग देखिए, तो देखिए गाइज ये क्वेश्चन आ रखा है 2019 मई में, 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें आपको इनपुट दिया, आउटपुट दिया, क्लोजिंग WIP दिया और बोला गया ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको इसको सॉल्व करना है। गाइज इसका बहुत इजी मेथड, आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्लाई करना है इसके अंदर और इजीली, बहुत ही इजीली आपके आंसर आने वाले। मैं आपको सोल्यूशन दिखाऊँ इसका, आपको ऐसा एक कॉलम प्रिपेयर कर लेना है इसके लिए, ठीक है। जब आप लोग ये कॉलम प्रिपेयर कर लोगे, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको इनपुट बता रखा है 3800 और आउटपुट बोल रही है 3000। इनपुट इतने का है, आउटपुट इतने का है और क्लोजिंग WIP है 800 का, टोटल इनपुट है इतने का, ठीक है। इसमें से आप लोगों का इतना आप लोगों का मटेरियल वगैरह का निकल गया क्लोजिंग, और इतना निकला है आप लोगों का WIP जो इन्होंने खुद से बोल रखा है, क्लोजिंग WIP इतना, आउटपुट इतना, ठीक है जी। तो आप लोगों ने एज इट इज़ डाल दिया। अब उसके बाद नीचे वाली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखिए, तो मटेरियल में 80%, लेबर में जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है आपको कैसे लेना है देखिए। फर्स्टली गाइज इसकी परसेंटेज आपको गिवन नहीं होती है, इसकी एज इट इज़ आपको लेके चलनी होती है 3100। ये हमारा मटेरियल के कॉलम्स हैं, ये लेबर और ओवरहेड के कंबाइन है, ठीक है। सेकंड हमें WIP यहाँ पे डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होती है। फर्स्ट में आपको मटेरियल में 80% लेना है, लेबर में 70 एंड ओवरहेड में भी 70। तो अगर आपको लेबर और ओवरहेड की परसेंटेज डिफरेंट गिवन होएगी तो आपको ये कॉलम्स अलग अलग करने पड़ेंगे। मुझे सेम दिखी यहाँ पे 70 और 70, इसलिए कंबाइन कॉलम भी चल जाएगा, ठीक है। अब 80% है, 800 का 80% 640 आप लोगों ने मटेरियल का रखना है और 70% आपको लगना है लेबर और ओवरहेड्स का, तो आप लोग रख दोगे सिंपली और इसको टोटल करोगे, जब आप लोग आंसर आ जाएगा 3640 और इसका आ जाएगा 3560। कुछ भी गाइज इस क्वेश्चन में टफ नहीं था, जो 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन टॉपिक जो स्टार्ट कर रखा है उसमें मैंने आपको बहुत दफ़ा समझाया है इसके प्रोसेस करना का, इसका वे क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन है। आप लोगों को अगर नहीं विश्वास तो आप लोग मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है उसमें जाके इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का टॉपिक मिल जाएगा आपको इस चैप्टर के अंदर, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, आपको आई होप 100% क्लियर हो जाएगा वो टॉपिक, ठीक है जी। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 2017 मई में ये आया था हम लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है जी। अब इसमें आपको सिंपली प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 दे रखे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस 1 से रिलेटेड एक मटेरियल, रॉ मटेरियल दे रखा है 5000 का, जिसका 5000 यूनिट्स है और 2 रुपीज़ पर यूनिट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बोल रहे हैं ओवरहेड्स है 32000 के, जिसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करोगे परसेंटेज ऑन डायरेक्ट वेजेस की जो यहाँ पे बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देर आर नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ फाइंड आउट करना है सिंपल, बिल्कुल सबसे ईजी सम है। आपको इसमें बनाने हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पहले आप लोग प्रोसेस 1 का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओगे। प्रोसेस 1 का आपको रॉ मटेरियल का बोला गया 5000 यूनिट्स है, 2 रुपीज़ ईच यूनिट है, 5000 × 2 = 10000। तो ये देख सकते हैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है मटेरियल 5000 यूनिट्स कॉलम और ये अमाउंट कॉलम 5000 × 2 = 10000। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेजेस दिए हैं 3000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए 9750 कुछ भी नहीं किया, जो गिवन है वही डाली। उसके बाद ओवरहेड्स जो हैं 32000 के, इसको आपको वेजेस के ऊपर लेना है। तो अगर आप लोग ये वेजेस वाले देखो 3000 5000 8000 जीरो से हटा दो तो आप लोग 3, 5 और 8 का टोटल करो तो 16 बनता है, कितना बनता है 16। तो आप लोग 32000 × 3/16 जैसे आप लोग रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो आप लोग इजीली कर दोगे 3/16 लगा के, तो 6000 आ जाएगा आप लोगों का ओवरहेड्स, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या बोला गया है,
नॉर्मल लॉस एज परसेंटेज ऑफ इनपुट, बात सुनिएगा, ये जो आपको आउटपुट दे रखा है, आउटपुट जो ये आपको दे रखा है, आउटपुट होता है जो आपका अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बच गया, और इनपुट होता है जो आप लोगों का स्टार्टिंग में इनपुट था, इतना अमाउंट यूनिट्स लगाए इतने बच गए, ठीक है। अब आपको इनपुट कितना है आप लोगों का 5000, बट आउटपुट कितना है, आउटपुट बोल रखा है 4700। तो 4700 देखिए यहाँ पे यूनिट्स मैंने डाल रखे हैं आउटपुट के, आउटपुट जो होएगा आप लोगों का नेक्स्ट अकाउंट में ट्रांसफर होएगा, ऐसे ही होता रहेगा प्रोसेस, ए का बी में, बी का सी में, जहाँ इन्होंने बोल दिया बस उसको हम कर देंगे फिनिश स्टॉक में, ठीक है जी। अब आप लोगों का यहाँ 47000 आ गया, 4700 आ गया। अब यहाँ पे जो हमें नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बोली है, परसेंटेज ऑफ इनपुट, इनपुट के ऊपर लगानी है, ये तो आउटपुट है, इनपुट ये है, इसके ऊपर आप लोग परसेंटेज लगा दोगे, दैट इज 5%। 5% लगाया, 250 आ गया, 250 है। अब बोल रहे हैं कि उसकी स्क्रैप वैल्यू है, जो वो स्क्रैप में सेल हुआ है, दैट इज़ रुपीज़ फॉर वन, तो 250 को वन से मल्टीप्लाई किया तो 250 आप लोगों की आ गई नॉर्मल लॉस की अमाउंट भी। अब उसके बाद आप लोगों की ये तीन वैल्यूज़ मिस हैं, ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ रहेगी, बाकी सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने देखी। अब इसका मैंने मेथड बहुत अच्छा करवा रखा है, अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 12 है, उसको थोड़ा सा हिंट मिलेगा, वो डिट्टो इसके जैसी नहीं है, क्वेश्चन के जैसी जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, हाँ बट आप लोगों को काफ़ी हद तक उससे कुछ सीखने को मिलेगा, अगर आपको भूल चुका है हिंट मिल जाएगा एक तरह से आप लोगों को कैसे करना है। अब जो हम लोगों का ये अबनॉर्मल लेस है, लॉस है, इसकी ये यूनिट्स और इसका अमाउंट निकालना मैंने इतने इजी वे से आपको उस वीडियो में समझा रखा है, इसमें दोबारा समझा रही हूँ क्या करना होता है आपको। आपके 5000 यूनिट्स माइनस कर दोगे उसमें से नॉर्मल लॉस पहले, तो ठीक है, नॉर्मल लॉस माइनस करना, आगे आपके पास ये आया आप लोगों का नॉर्मल आउटपुट, ये आपको चाहिए होता है, ये मत कर देना डायरेक्टली माइनस कर देना, एक एक चीज़ को लिखना है, यूनिट्स में से लॉस गए, नॉर्मल आउटपुट, नॉर्मल आउटपुट से पुट में से फाइनल स्टॉक के जो आपके यूनिट्स हैं वो गए, तो आपके पास आया अब नॉर्मल लॉस। अब आपको ये चीज़ देखनी है कि आपके अमाउंट किस तरफ घट रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, जिस तरफ जो भी कम होएगा उस तरफ आपको अब नॉर्मल लॉस या गेन जो भी बनता है वो बना देना है, ठीक है। आपका बना अब नॉर्मल लॉस 50 का। अब आप लोगों को इसकी कॉस्ट भी फाइंड, अब आपके पास ये दो वैल्यूज़ मिसिंग है, ठीक है। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो इसकी नॉर्मल आउटपुट टोटल कॉस्ट, नॉर्मल आउटपुट इतना है बट आप लोग इसकी नॉर्मल कॉस्ट देखो, सारे ये सारे ऐड करो, इसमें से जो आपकी एक ही वैल्यू है ना इधर नॉर्मल लॉस, इसको माइनस करो, आपकी इधर एक ही वैल्यू है तो आपको ये दोनों तो अभी हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसमें से आपको इसको माइनस करना है, तो आपकी नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट देखिए, नॉर्मल आउटपुट कैसे निकला था, ये यूनिट्स माइनस लॉस के यूनिट्स, तो सेम नॉर्मल यूनिट नॉर्मल आउटपुट की कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये सारे माइनस ये वाली वैल्यू, तो आप ये कर दोगे डिवाइड में आपको चाहिए नॉर्मल आउटपुट जो यहाँ पे निकाला 4750, वो मल्टीप्लाई बाय जो आपका नॉर्मल लॉस हो या गेन हो जो भी है वो, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों की इधर कॉस्ट भी निकल आएगी। अब आप लोगों के लिए प्लस माइनस करके जो अमाउंट प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र करना है वो ईजिली निकल आएगा, आपको कुछ भी झमेला नहीं करना है। आई डोंट थिंक कि आपको ये टफ लगा होगा, बहुत ईजिली बता रखा है यहाँ पे जो भी मैंने बताया, ठीक है। अब आप लोगों का जो ये प्रोसेस बी लिखा है, इसको आप लोग प्रोसेस बी में टू वाली साइड प्रोसेस ए लिख के करोगे, देखिए टू प्रोसेस ए 4700 2800, सेम अमाउंट हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दी। उसके बाद देखिए गाइस, यहाँ पे हमें बेसिकली वही सेम इंफॉर्मेशन अब प्रोसेस बी की टू की गिवन है, तो आप लोग पहले वेजेस एक्सपेंसेस और ओवरहेड सेम वैसे ही डालोगे जैसे हम लोगों ने प्रोसेस ए में किया, वेजेस एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स, ठीक है। उसके बाद अगेन आप लोगों को नॉर्मल लॉस निकालना है, 10% बोला गया है इनपुट के ऊपर ही, इनपुट क्या है अब आपका 4700 के ऊपर आपको लगा देना है 10%, 470 आ गया, ठीक है। अब 470 की वैल्यू उन्होंने बोली स्क्रैप कितने पे सेल हुई, 5 रुपीज़, तो 470 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो 2350 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या बोला गया, एक चीज़ और बोली गई है, ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे जो आउटपुट है हम लोगों का कितना गिवन है 4300, तो 4300 हम लोगों ने ये डाल दिए। अब हमारे पास ना ये दो वैल्यूज़ हैं और ना ये एक वैल्यू है, अब ये इतनी सारी तो हम प्लस माइनस करके कैलकुलेट करने से रहे, तो अगेन वही स्टेप, पहले लेने आपको अपने टोटल यूनिट्स 4700, इसमें से करना आपको लॉस को माइनस, तो आपका आ जाएगा नॉर्मल आउटपुट, देन आपको इसमें से माइनस करना अपना फाइनल,
और देखना है किस तरफ अमाउंट कम है, जिस तरफ भी कम है आपको अब नॉर्मल इधर गेन होता है इधर लॉस होता है तो वो आप लगा दोगे। 1700 निकल आए मेरे, ठीक है। उसके बाद आपको निकालनी है कॉस्ट। एग्जैक्टली आप ये सारी वैल्यूज़ को ऐड करोगे, यहाँ तक ही है ये तो हम निकाल रहे हैं, यहाँ तक सारी वैल्यूज़ को ऐड करके इसको माइनस कर दोगे, डिवाइड में आपका नॉर्मल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय आपका अब नॉर्मल गेन 840 आ जाएगा आप लोगों का ये अमाउंट। अब आपका रह गया सिर्फ ये अमाउंट, प्लस माइनस करके ईजिली निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना। सेम आपको इसको प्रोसेस सी लिखा है, देखिए यहाँ पे मैंने तो प्रोसेस सी में इसको प्रोसेस बी लिख के ट्रांसफ़र करना है, प्रोसेस सी अकाउंट में प्रोसेस बी लिख के आएगा, बी से आया है यहाँ से सी में जाना था, ठीक है। अगेन वेजेस एक्सपेंसेस ओवरहेड डाल दिए, नॉर्मल लॉस अगेन वही चीज़ है बोल रखी है, परसेंटेज भी बता रखी है और कितने पे सेल हुआ वो भी बता दिया। अब की बार जब आप लोगों को जो हम लोग अगला अगला प्रोसेस लिख रहे थे प्रोसेस सी में प्रोसेस डी में, तो अब की बार क्योंकि ये लास्ट है, देखिए प्रोसेस 1 2 3 फोर्थ प्रोसेस तो नहीं बता रखा तो लास्ट है ना ये, तो इसकी बार आप लिखोगे फिनिश स्टॉक अकाउंट कि ये अब हमारा फिनिश हो गया है, फिनिश स्टॉक अकाउंट है, अमाउंट हमारा यही रहेगा 40-50 के यूनिट्स, ठीक है। अब अगेन आप लोगों के पास ये वाली वैल्यू और ये दो वैल्यूज नहीं है, अगेन आप लोगों का सेम प्रोसेस है, आपको ये अप्लाई करना है और आप लोगों के आंसर्स प्लस माइनस करके आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ तक तो हो गया, हम लोगों के ये वाले सारे आंसर्स आ चुके हैं। अब जो हमें ये हिंट में आंसर्स दे रखे हैं इनका भी क्या करना है, इनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। फिनिश का हमारा अमाउंट आ चुका है 89100, ये लिख दिया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग अपना आगे बनाना है आप लोगों का, जो भी आपको हुआ है अब नॉर्मल लॉस हुआ है या गेन हुआ है, ठीक है। पहले मैंने बनाया अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, अब नॉर्मल लॉस में देखना है मेरे को कौन कौन से अकाउंट में हुआ है। मेरे को प्रोसेस ए में क्या हुआ था, अब नॉर्मल लॉस 50 यूनिट्स 300 का पहले मैंने डाल दिया प्रोसेस वन से। उसके बाद मुझे लॉस हुआ प्रोसेस बी में, तो मुझे गेन हुआ प्रोसेस बी में, गेन हुआ ये नहीं ले रहे हम लोग, लॉस अकाउंट बना रहे हैं। प्रोसेस सी में लॉस हुआ 35 और 770, तो हम लोगों ने 35 और 770 ले लिया। अब इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं हम लोग, हम लोगों ने सेम यूनिट्स यही वाले इधर बाय कैश करके लिख लेने हैं, ठीक है। पहले देखना आपने प्रोसेस वन है तो प्रोसेस वन के 50 हैं, प्रोसेस वन की जो स्क्रैप वैल्यू सेल हुई, स्क्रैप वैल्यू कितने की सेल हुई, 1 रुपीज़ की, तो प्रोसेस वन 50 मल्टीप्लाई बाय 1 50। उसके बाद है प्रोसेस थ्री 35, प्रोसेस थ्री में स्क्रैप वैल्यू कितने की सेल हुई, 6 रुपीज़ की, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 6 210। अब आप लोग इसको प्लस माइनस करोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी जो कि आपकी होएगी अब नॉर्मल लॉस कहलाती है, अब नॉर्मल कॉस्ट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये आ जाएगी आपकी 810 जो कि यहाँ पे आंसर में गिवन भी है 810 रुपीज़, ठीक है। सेम आप लोगों को करना है अब नॉर्मल गेन में, जो आपको गेन हुआ है वो आपको इधर डाल देना है, सेम यूनिट्स यही ले लेने हैं, देन उसी स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके देखना है ये वैल्यू क्या बचती है। सिंपली गाइस बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ये वाला हमारा, मैं आपको दिखा दूँ 2017 और 2019 मैंने आपको करवा दिया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, आप लोगों ने 2016 डिट्टो स्टेटमेंट चेंज है नो डाउट, अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम आएगी आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ पे बताइएगा। 2017 जो हमने अभी अभी किया उसका डिट्टो कॉपी सम है, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आप लोगों की बुक में 13 नंबर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी नहीं अपलोड की हुई कि 13 नंबर आप लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन डिट्टो किसी सम की कॉपी है और वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, बट हालांकि मैंने ये करवा दिया है इसके जैसा ही है बिल्कुल, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करोगे तो प्रॉपर आप लोगों का आंसर आने वाला है। अगर आप लोगों का सोल्व हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सोल्व हो चुका है। उसके ऊपर जो ये क्वेश्चन है ये भी डिट्टो इसी की जैसे है, देखिए मैंने यहाँ पे सेम इसी वजह से लिख रखा है, तो देख सकते हैं आप लोग कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है और तीनों बार 15 मार्क्स में, 2016 में आया 15 मार्क्स में, स्टेटमेंट चेंज होके आया बट वे वही 15 मार्क्स में, तो आपकी बारी भी आ सकता है, तो क्वेश्चन को ट्राई करना मत भूलिएगा। 2015 में भी यही चीज़ है, परसेंटेज आपको ऊपर गिवन है, वैल्यूज ऊपर नीचे करके गिवन होंगी, ये देखिए आपको यहाँ पे वेस्टेज की वैल्यू यहाँ पे दे दी, परसेंटेज वेस्टेज की, वेस्टेज का प्राइस यहाँ पे दे दी। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग को घुमाना है, आप लोगों का सम इजीली सॉल्व होने वाला है। तो अगर गाइस आप लोगों के सम सॉल्व हो जाए तो हम लोगों ने इतने ही करने थे इस वीडियो में, 2015 तक का ये 2015 का है, 16, 17, 19 आप लोगों के हो चुके हैं, 2015 तक हम लोग लास्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस जो कि हम लोगों ने कवरअप कर लिए हैं इस वीडियो में। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर गाइस आप लोगों को अभी भी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ नहीं आया तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अदरवाइज आप लोग मुझे नोट्स या किसी भी क्वेश्चन की क्वेरी के लिए आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है। तो गाइस चैनल को
सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करके और वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिएगा गाइस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।